अम्बा शाह पुष्कर के मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पुष्कर मेले में घूमते घूमते आपको सैंड आर्ट दिखाने वाला हूं, जो कि यहां पुष्कर के अजय भाई है, वो ये सैंड आर्ट बनाते हैं। और हमें सर मिले हैं बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। सर नाम क्या है? शैतान सिंह राठौर। अरे शैतान सिंह जी, और सर भी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट है। सर का पेंटिंग का काम है, तो आप ड्रामा आर्टिस्ट भी? अच्छा, ड्रामा आर्टिस्ट भी है। रावण का अभिनय करते हैं, शिव का। अच्छा अच्छा। और जो अजय भाई है जो सैंड आर्ट का काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति ने भी सम्मानित कर चुके हैं इस काम के लिए। मिट्टी से सैंड आर्ट तैयार की जाती है, आप पीछे देख रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अब एक एक करके, और लास्ट में मैं अजय भाई से भी आपको मिलाऊंगा। अभी वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए। देख रहे आप, भीड़ देखिए, बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गणेश जी की प्रतिमा है। जब भी हमारे राजस्थान में जब भी किसी शुभ काम की शुरुआत की जाती है, वो गणेश जी के नाम से ही की जाती है। तो सबसे पहले आप सैंड आर्ट देखने के लिए मिलेगी आपको गणेश जी की। उसके बाद में आप देख सकते हैं बहुत बखूबी से इसे तराशा गया है मिट्टी के अंदर। और ये हमारा राजस्थान का ट्रेडिशनल घर वगैरह होते हैं, जो झोपड़ी वगैरह, वो ये रेगिस्तान के अंदर बनते हैं ऐसे घर। उसके बारे में ये बताया गया है कैसे क्या है। आप देख सकते हैं ये मटका है, चूल्हा है, और साथ में ये घर बनाया गया है जो झोपड़ी के बनते हैं। और वर्ल्ड में केवल एक ये बर्मा मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है। बर्मा मंदिर को यहाँ बताया गया है। ये देखिए, सैंड आर्ट की ये बखूबी है कि एक एक चीज़ को बड़ी तराश के बनाया जाता है बहुत अच्छे से। देख सकते हैं अजय भाई की जो कलाकृति है बहुत अच्छी है। और आपको पता ही है कि पशु मेला, पुष्कर का जो पशु मेला है वो ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे पशु एक घोड़े के आकृति बनाई गई है, घोड़े के बारे में बताया गया है। और ये हमारे राजस्थानी ट्रेडिशनल को बताया गया है, जब राजस्थान की औरत तैयार होती है तो क्या क्या गहने वगैरह लगा के तैयार होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब जो बाहर से जो लोग आते हैं ऊँट वगैरह लेके, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब शाम हो जाती है, शाम के समय जब कुछ आराम का वक्त होता है, जब कैसे ऊँट और उसका जो मालिक होता है कैसे आराम करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, और इधर आएंगे तो आपको ये ऊँट है, ऊँटनी है, उसका बच्चा है, ऊँटनी अपने बच्चे को कैसे दूध पिला रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये सामने देख सकते हैं अजय भाई को राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। और ये है राजस्थान की शान, महाराणा प्रताप। और ये है लास्ट में सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता के मंदिर को यहाँ बताया गया है, नीचे लिखा हुआ है पुष्कर। सावित्री माता का मंदिर बहुत फेमस है इधर, आप रोपवे वगैरह से जा सकते हैं। तो ये सावित्री माता के मंदिर हो गए, नीचे जो घर वगैरह बने हुए हैं, नीचे ऊँट गाड़ी वगैरह से आप कैमल सफारी वगैरह कर सकते हैं। ये पूरा टेक्सचर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी आपने सैंड आर्ट देखी है, अजय भाई की तरफ से तैयार की गई है, और स्वागत है आपका। अजमेर में केवल यही है जो सैंड आर्ट बनाते हैं, और सेलिब्रिटी अजमेर के। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बोला था कि अजय भाई सेलिब्रिटी अजमेर के। अजमेर से लेके इंडिया में हर कोने पे ये जाते हैं और सैंड आर्ट का अपना प्रदर्शन करते हैं। तो ये स्पेशली अपने पुष्कर मेले के लिए तैयार किए बहुत। जी जी, ये मैं 3 साल से यहाँ सेटअप लगाता हूँ, जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आर्ट को देख पाए। साथ ही में मेरी कलाकृति अगर आपको अच्छी लग रही है तो रियल में आप इसको वास्तव में शेयर कीजिए। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में लोग कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी कलाकृति आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो कला है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। साथ ही जो भाई साहब ने इतना मेहनत करके ये तैयार किया है, तो इनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा अजय भाई, पुष्कर मेले के अलावा आपका ये सैंड आर्ट का जो सेटअप है वो कहाँ लगता है, एक बार बता दीजिए। पुष्कर, वैसे तो मैं ये सेटअप तो पूरा पुष्कर में लगाता हूँ, लेकिन मैं पूरे राजस्थान में बनाता हूँ। अभी 25 को मैं मत्स्य फेस्टिवल अलोर में बनाऊँगा, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पूरी उड़ीसा में जाऊँगा इंटरनेशनल फेस्टिवल में। तो मेरा पूरा हर महीने मेरा बाहर का टूर तो रहता ही है।
और अजय भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं और भैया को बुलाना भी चाहते हैं जी, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9001212057 और मुझे सोशल मीडिया पर सेंड आर्टिस्ट अजय नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अजय भाई की कलाकृति जो सैंड आर्ट की इन्होंने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है।